पांच लकी विनर को हम ये साइकिल दे देंगे। इनके बैठने से भी ये स्टूल आराम से चल रहा है और आप समझ सकते हो कि हमने क्वालिटी के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाया, लेकिन ये चाइना को टक्कर देने वाली क्वालिटी जो है इंडिया में हमने बनाई है। आज के वीडियो के अंदर हम आप देख सकते हो हमने यहाँ पे फ्लैग के नीचे बना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आप जब देख रहे हो लेकिन ये शूट हो रहा है 26 जनवरी को और सेलिब्रेशन के जस्ट बाद हमने ये वीडियो बनाया है। और क्यों बनाया है ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, रीजन बिंग सबसे पहले हमारे साथ है मनीष भाई जो कि परचेज हेड है। अभी आप सोच रहे होंगे परचेज वाले को यहाँ क्यों लेके आए, इसीलिए लेके आए कि आज के 26 जनवरी के दिन पर हम जो वीडियो बना रहे हैं ना उसकी खास बात ये है कि आज हमने ऐसे प्रोडक्ट लिए जो डीओडेप का मिशन है। आप लोगों को पता होगा कि हम जो है प्रोडक्ट को पहले इंपोर्ट करते हैं, यहाँ के मार्केट में टेस्ट करते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ट्रेंड में होता है ना वो प्रोडक्ट को हम यहाँ पे मेक इन इंडिया के अंतर्गत राजकोट गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चर करवाते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हो ना आपको ये चाइना प्रोडक्ट लगेंगे, लेकिन ये आज की डेट में डीओडेप राजकोट में मैन्युफैक्चर करवाता है। तो ये प्रोडक्ट जो है डीओडेप का इनिशिएटिव है लोकल फॉर वोकल के लिए और मेक इन इंडिया के लिए। वेलकम मनीष भाई, आज मनीष भाई को तो हम यहाँ से बीच में से पकड़ के लाए हैं और इसीलिए मिल गए हैं, जनरली आपको कहीं पे वीडियो में मिलते नहीं है। और मनीष भाई जो है परचेज हेड है तो सारी प्रोडक्ट का सबसे बेटर नॉलेज जो है वो इनको होता है। तो मनीष भाई आप कुछ प्रोडक्ट्स दिखाइए जो कि सबसे पहले तो चाइना से हम इम्पोर्ट करते थे लेकिन अब यहाँ पे राजकोट में बनवाते हैं, गुजरात में बनवाते हैं और इंडिया के अंदर जो है वो बनवाते हैं। यही अपने राजकोट की ये सबसे पहली प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, टॉय साइकिल। यस, आप साइकिल की क्वालिटी भी देख सकते हैं प्लस पैकिंग की क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी कलरफुल भी बॉक्स बनाया हुआ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कलरफुल बॉक्स बनाया है, साथ ही साथ ये बॉक्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन जो बनाई गई है बच्चों के रिलेवेंट सारी डिज़ाइनें बनाई गई है, तो बच्चों को जो है बॉक्स भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे ना बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ राजकोट का ही है, राजकोट की ही कंपनी है अपनी। और यहाँ पे प्रोडक्ट में देखोगे प्राउड से लिखा हुआ है मेक इन इंडिया, यहाँ पे आपको एम्बलम थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा लाइटिंग की वजह से, यहाँ पे मेक इन इंडिया रहेगा। ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये साइकिल है ना डीओडेप पहले इंपोर्ट करता था लेकिन डीओडेप का विजन है कि सारे ही प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया बनाए और इंडियन इकोनॉमी को जो है हम ग्रोथ दे। उसके बाद सर नेक्स्ट पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सी है जो सबसे ज्यादा सेल होती है? पॉपुलर प्रोडक्ट में है बच्चों के लिए ज्यादातर यूज हो रही है स्कूल में, यस लंच बॉक्स। ये एक लंच बॉक्स है जो बर्गर की तरह दिखता है, बर्गर लंच बॉक्स। ये पहले इंपोर्ट होता था अभी यहाँ पे बनता है। जी हाँ। ओके, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, हम आपके लिए इसको पैकिंग भी खोल देते हैं, अनरैप कर देते हैं तो आपके लिए भी प्रोडक्ट देखना इजी रहेगा। इसके अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट दिए जाते हैं और अच्छे खासे लॉक के साथ ये दिया जाएगा, देख सकते हो। सबसे पहले कंपार्टमेंट के अंदर थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, सबसे पहले कंपार्टमेंट के अंदर आप देखोगे तो 2 स्पून मिलती है आपको, 1 जो है नॉर्मल स्पून है और 1 जो है वो फोक है। उसके बाद आपको सेकंड लीड मिलेगी और इसके बाद थर्ड और लास्ट लीड मिलेगी जो काफी टाइट रहेगी ताकि अंदर का खाना जो है इजीली लीक ना हो। देख सकते हो पूरा ही बर्गर बॉक्स जो है उसको हमने अनबॉक्स कर दिया है और साथ में आप बॉक्स की भी क्वालिटी देख सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बन रहा है इसलिए कैसे भी हम लोग पैक करके बनवा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली वहाँ का प्रोडक्ट जैसा होता है वैसी क्वालिटी में मैन्युफैक्चरिंग हम करवाते हैं और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और सर नेक्स्ट प्रोडक्ट जो अपने वॉल में चिपकाते हैं वो वाला प्रोडक्ट दिखा दीजिए। ये आपने बहुत सारे इसके इंस्टाग्राम पे वायरल वीडियोस देखे होंगे, वॉल पे कहीं पे भी इसको चिपका देते हैं और इसके ऊपर जो साबुन शैम्पू या फिर किचन में भी यूज कर सकते हो, मल्टीपर्पज यूज। मैं एक और बार भी आपको बताना चाहता हूँ कि बॉक्सिंग के लिए या किसी भी तरह का पैकिंग के लिए हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाया है, बॉक्सिंग बहुत बढ़िया है, अंदर भी जो पैक करके आता है वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से पैक की गई है। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ प्लास्टिक के अंदर पैक करके ही आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉक्स में डाल दिया, यहाँ सिर्फ प्लास्टिक में ही डाल दिया है ताकि इसके ऊपर रेसिस ना आ जाए। जी तो ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और आप देख सकते हो 2 इस तरीके के हाथी मिलेंगे और इसको वॉल पे लगाने के लिए आपको स्टिकर हुक मिल जाएंगे, ये भी आपने वायरल प्रोडक्ट्स में देखे होंगे जो इसके साथ आते हैं। इस तरीके से हाथी जो है
यहाँ पे लग जाते हैं, और यहाँ पे पीछे जो है इसका स्टिकर रहेगा जिसके ऊपर आप इसको इस तरीके से प्लग इन कर सकते हो, और ये जो है कहीं पे भी इजीली रह जाएगा। इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हो काफी बढ़िया, स्टिकर की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। जैसे कि ये लगा दिया, एक बार लगा दिया तो ये जल्दी से छोड़ेगा नहीं। यस यस, यहाँ कोई भी वेट इसके ऊपर आएगा तो ये कभी गिर जाएगा या ऐसा कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है स्टिकर की, गम की क्वालिटी भी अच्छी आती है। और अगेन यही प्रोडक्ट के अंदर भी आज हम 26 जनवरी को बना रहे हैं वीडियो, आप देख सकते हो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और इंडिया फ्लैग रहेगा। प्राउडली ये प्रोडक्ट जो है डीओडेप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवाता है, और चाइना का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट फुटक्लिप जो 5 से 6 सालों से इंडियन मार्केट में डंप हो रहा है। इतनी छोटे प्रोडक्ट इंडिया जो है चाइना से इंपोर्ट करता है, लेकिन डीओडेप ने जो है ये प्रोडक्ट लगभग हम ये 2 साल से बना रहे हैं 3 साल से इंडिया में बनवा रहे हैं सर, तकरीबन 3 साल से ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरर हो रहा है, और ये काफी पॉपुलर आइटम है। अमेजोन पे बेस्ट सेलर आइटम में ये आइटम आता है, और ये सर काम क्या करता है वो एक बार समझा दीजिए। ये बहुत ईजी चीज है, जैसे कि ये मैंने अभी यहाँ पे ये जैसे प्लास्टिक लिया है, अगर इसमें मैं कोई चीज़ भर दूँ, ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को यूज़ नहीं करना है, कहीं पे रख देना है, तो इसको मैं इस तरह से पैक करके कहीं पे भी स्टोर करके मैं इस चीज़ को रख सकता हूँ। yes, right, ताकि right, right. कोई भी जो चीज़ अंदर है वो फ्रेश रहे या पैक रहे, ताकि इंसेक्ट वगैरह ना घुसे। और ये पैक करके सिर्फ रखने के लिए अपने ये जो भी है ये 2 साइज़ में अवेलेबल है, ये एक बड़ी साइज़ भी है और ये छोटी साइज़ भी है। साइजेस इसके सारे ही मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पे हम आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। कलर भी अवेलेबल है, कलरफुल भी अवेलेबल है। अक्षय जी, और एक मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही अभी यहाँ के मार्केट में बहुत धड़ल्ले से बिक रही है। ये डीओडेप ने है ना काफी रिसर्च के बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चर करवाई है। आप देख सकते हैं बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, सभी एज वर्क के लिए आप ये अच्छा है बहुत। अच्छा, ये रिट्रैक्टेबल स्टूल है और इसकी क्वालिटी काफी स्टेडी है। इसकी क्वालिटी का आपको डेमो चाहिए ना, यहाँ पे तो फ्लैट सरफेस नहीं है, थोड़ा सा यहाँ जाइए। ये सर देख सकते हो, सर का वेट सर आपका 100 केजी होगा, आराम से इसके ऊपर बैठ के दिखाएंगे आप। इसकी क्वालिटी जो है आज देख सकते हो कि कितनी बढ़िया क्वालिटी में आता है, और इसकी वेट कैपेसिटी जो है ना वो 150 केजी की है। आप देख सकते हो इनके बैठने से भी ये स्टूल आराम से चल रहा है, और आप समझ सकते हो कि हमने क्वालिटी के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाया, लेकिन ये चाइना को टक्कर देने वाली क्वालिटी जो है इंडिया में हमने बनाई है। और सर, ये कितने रोज के बीच बिक जाते होंगे? ये काफी इसके कोई गिनती हजारों में, हजारों में होंगे, हो गए सर, आराम से। तो आप देख सकते हो गिनती तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज इतनी यूनिक है कि कोई भी एज ग्रुप है ये ले गई। अरे इंडिया के अंदर तो ये काफी काम की चीज है, पता है ट्रेन में कहीं पे भी जाते हो जगह नहीं मिलती है ना, स्टूल पॉकेट से निकाल के खोलो, बैठ जाओ, जगह खुद बना लो, सीट साथ में लेके चलो। और क्वालिटी आप देख सकते हैं हर तरीके से अच्छा है, बेस भी अच्छा है, जहाँ पे बैठना है वो बेस भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और साथ में क्वालिटी में तो देखो देखने वाली बात ही नहीं है, इन्होंने बैठ के दिखा दिया तो बात खत्म हो गई। और फिर से हम लोग ये इसी में दिखा रहे हैं कि भाई ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है सर, ये आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, ये चाइना से इंपोर्ट किया हुआ नहीं है। ये प्रोडक्ट पहले बहुत इंपोर्ट होता था, लेकिन डीओडेप करता क्या है पता है, बेसिकली हम पहले मार्केट में टेस्ट करते हैं। देखो जो प्रोडक्ट की यहाँ पे नीड नहीं है वो प्रोडक्ट बना के कुछ फायदा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं प्रोडक्ट पहले 2 कंटेनर इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे मार्केट में कितना क्विकली बिकता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू करवा देते हैं। और ये तो हमने लगभग 30-40 आइटम यहाँ पे निकाल के रखी है, लेकिन इससे भी ज्यादा आइटम जो है हम मेक इन इंडिया में फिलहाल बना रहे हैं, है ना सर? जी सर। यस, नेक्स्ट सर क्या दिखाना चाहेंगे? ये क्लॉथ रैक है, जैसे हम लोग आप समझ सकते हैं इसे असेंबल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये फोटो में दिखा देते सर। ये कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कबट के अंदर लटका सकते हो अपना जो पाइप होता है वहाँ पे, और बहुत सारी जगह पे आप इसका यूज केस अपने घर के अकॉर्डिंग सोच सकते हो, हर जगह पे ये काम ही आएगा। खास करके बाथरूम में भी आप लगा सकते हैं, अपने नेपकिन वगैरह रखने के लिए कोई भी ऐसी जो अंडरगार्मेंट्स कुछ भी आप इसमें रख सकते हो, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये, पाइप में जैसे टंग जाता है यहाँ पे। यस यस, और ये तकरीबन 1 से 1.5 फुट लंबा तो हो जाएगा, आराम से 1 से 1.5 फुट लंबा भी है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वाला जो है ना 5 लेयर है, इसके अंदर 4 लेयर 3 लेयर भी आता है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा मंगवा सकते हो। 5 लेयर जो है वो अप्रोक्स 2 फुट तक जाता है, इतना बड़ा है, 3 लेयर इतने में आता है, तो वो आप अपने यूज केस से मंगा सकते हो। और यहाँ बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे हम इसको फेंक के इसके ऊपर लगाते हैं, या फिर नीचे भी अगर आप देखोगे
तो आवाज़ कितनी आ रही है, लेकिन इसको जो है कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ ही आता है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रोडक्ट बना रहे तो क्वालिटी नहीं होगी। इंडिया के प्रोडक्ट चाइना के प्रोडक्ट के भी टक्कर के प्रोडक्ट जो है इंडिया में हम बना रहे हैं। और अगेन यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी आप देखोगे तो मेक इन इंडिया के साथ आएगा, और हर प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो इंपोर्ट पहले होता था, लेकिन डीओडब जो है उसने लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवा के इसका इंपोर्ट जो है बंद करवा दिया है। थोड़ा सा मैं ना अभी क्या करेंगे, क्विकली प्रोडक्ट दिखाते जाएंगे कि जैसे कि ये हो गया कि देखो ये 5-in-1 नाइसर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। नेक्स्ट की बात करें कुछ इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट सारे ही समझाने जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग ही छोड़ के भाग जाओगे। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, देश के लिए वीडियो बनाए तो देश के नाम पे अभी के अभी सब्सक्राइब करना अभी। और सर तो क्विकली प्रोडक्ट दिखा दीजिए, अभी हम खोल के नहीं दिखाएंगे, क्विकली बाहर से इंट्रो करवा देंगे। ये है एक डंपलिंग मेकर, यस, और ये जनरली पूरी प्रेस हमने इंडिया में बनाया है ना, तो इसका नाम हमने पूरी प्रेस रखा है। बाकी ये चाइना में जब इंपोर्ट होता है ना तो इसको डंपलिंग मेकर और साथ ही साथ मोमो मेकर के नाम से आता है। अक्षय जी, मैं और एक प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव भी है। इन जनरल कोई भी लेडीज है वो अपने फेस मसाज के लिए या एक आइस पैक वगैरह जो यूज करते हैं, वो चीज इसमें आइस रोलर बन के ये तैयार होता है। बहुत ही इजी और सिंपल चीज़ है, और ये सिलिकॉन है, और ये किसी भी तरह से ये कोई स्किन फ्रेंडली चीज़ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम लोगों ने राजकोट में यहाँ पे मैन्युफैक्चर करवाना शुरू किया है सर, ये भी मेक इन इंडिया ही प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारा कलर भी है, और ये बॉक्सिंग वैसे जनरली ऐसे सिंपल ही रहता है, इसमें कोई कलरफुल बॉक्स देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी थोड़ा सा क्विकली दिखा देंगे, है ना मनीष भाई? जी सर ये कटलरी बॉक्स है एक तरह का, ये आप भी हमने यहाँ पे ना फोटो में आप देखते जाना सर डायरेक्टली। ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो एक तरह का कटलरी बॉक्स है, मेकअप बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको। ये 4 लेयर में आता है और ये स्क्वायर टाइप है, ऊपर एक मिरर टाइप भी आ जाता है। ये ढक्कन भी है यहाँ पे, और प्रीमियम बॉक्सिंग है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। बच्चों का टॉय आप देख सकते हो, ये फ्लाई गन जो है ना इंस्टाग्राम की वायरल रील है जिससे एरोप्लेन शूट कर सकते हो, और अभी ये ट्रेंड में 2-3 शॉट्स भी इसके बने हुए हैं। ये प्रोडक्ट भी आपको डीओडी पे मिल जाएगा, और अगेन ये भी हमने इम्पोर्ट नहीं किया है। ये बॉक्स जो है क्वालिटी देख सकते हो इंडिया मेड है। नेक्स्ट सर नाइसर डाइसर, जो काफी पॉपुलर प्रोडक्ट भी है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करवाना शुरू कर दिया है। यस, नेक्स्ट ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो अमेजोन पे बहुत हाई प्राइस पे बिकता है, डीओडी पे आपको लोएस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। ये है कटलरी ड्रॉअर स्टोरेज बॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप की इस टाइप की कटलरी जो है यहाँ पे आप रख सकते हो, मतलब मेकअप ब्रश और सारी चीज रख सकते हो। उसके बाद सर नेक्स्ट दिखा दीजिए, ये गार्डनिंग टूल है जो पहले हम चाइना से ही इम्पोर्ट करवाते थे, अब ये मेक इन इंडिया हो चुका है यहाँ पे, और आप क्वालिटी भी देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी। राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो पूरी चपाती प्रेस के अंदर दूसरा वेरिएंट जो है, ये भी हमने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया है। उसके बाद थोड़े से और आगे आ जाते हैं, ये साइकिल दिखा दिया है हमने, और रिट्रैक्टेबल स्टूल भी हमने दिखा दिया है, तो इसको थोड़ी देर रखते हैं हम नीचे की ओर। डियर हैंगर, आपने ये देखा होगा इंस्टाग्राम की वायरल रील में, ये वाला हैंगर है जिसको लगा कि इसके ऊपर चाबी लगाते हैं। इंडिया के अंदर डीओडी बना रहा है, ये इंपोर्ट होता था तब इसका प्राइस जो है ना 80 रुपये के आसपास था, डीओडी 50 के नीचे दे रहा है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो कॉस्ट भी अच्छी आ रही है, बायर्स के लिए भी अच्छा है, सेलर्स के लिए भी अच्छा है, और यहाँ पे ही बन रहा है। नेक्स्ट सर ये वाला प्रोडक्ट दिखा दीजिए, एवरग्रीन आइटम 5 साल से स्पैचुला बोलते हैं, ये जनरली हमारे ये जो चपाती वगैरह पे जो ऑयल स्प्रेड करता है उस चीज के लिए यूज करता है, ये भी मेक इन इंडिया हो चुका है अभी। ये सिलिकॉन आइटम्स पहले मेक इन इंडिया जल्दी से नहीं होते थे, लेकिन डीओडी ने जो है सिलिकॉन प्रोडक्ट्स के अंदर भी मेड इन इंडिया पॉसिबल कर दिया है। ये अगली एक प्रोडक्ट है स्वान रेन, ये भी हम बहुत पहले पीसेस हम लोग मंगवाते थे चाइना से, इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन अब ये मेक इन इंडिया में अभी शुरू हो चुका है, और क्वालिटी भी आप देख सकते हो बढ़िया क्वालिटी है ये चीज। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मनीष भाई हमारे साथ आए थे, तो हमने मेक इन इंडिया वाले सारे प्रोडक्ट दिखे, इसके अलावा भी मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हमारे पास है। आपको मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स देखने तो और भी मिल जाएंगे, आप हमें कॉल कर सकते हो ऑर्डर करने के लिए, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी ऐप पे जा सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, मल्टीपल वेज है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में नीचे कॉमेंट जरूर से करना, और स्पेशल डे के दिन फ्लैग के सामने हम कर रहे हैं तो नीचे कॉमेंट में जय हिंद जो है स्पैम कर देना जल्दी से जल्दी, जय हिंद वंदे मातरम कमेंट के अंदर मिलना चाहिए। और हाँ, कोई भी एक रैंडम बेस्ट कमेंट को जो है हम हमारी तरफ से गिव अवे गिफ्ट देने वाले हैं। मनीष जी बड़ा सा गिफ्ट दे देंगे ना, बढ़िया। आज का गिफ्ट जो है ना मनीष भाई की तरफ से रहने वाला है, और ये साइकिल जो है ये हम गिफ्ट में दे देंगे। राइट, तो घर में बच्चे है ना, आप भी कमेंट करो, बच्चों को भी बोलो, उनके अंदर भी देश भावना जगा, उनको भी बोलो नीचे जय हिंद कमेंट कर दे, और ये साइकिल जो है कोई भी
एक नहीं चलो पांच लकी विनर को हम ये साइकिल दे देंगे। और ये वीडियो जब भी पब्लिश होगा उसके नेक्स्ट एक वीक के अंदर हम इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे और वहां पे बताएंगे कि कौन जो है इसका विनर हुआ है। तो आज का ये वीडियो कैसे लगा ये नीचे कमेंट जरूर से करना। और जाते जाते क्या करना है मनीष भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूरी है करते जाना, हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।